हेलो गाइस, आप देख रहे हैं ए टू जेड होम्स डिजाइनिंग। यहाँ पे मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन होम्स प्लान के वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। आज मैं एक प्लान लेकर आया हूँ जिसका साइज़ है 30 बाई 12। फ्रंट इसका 30 फीट दिया, लंबाई इसकी 12 फीट रखी है, जिसमें आपको ग्राउंड फ्लोर में दुकान दिखेंगे, ऊपर आपको मकान दिखेगा। फ्रंट एलिवेशन देख सकते हैं कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, देख सकते हैं। अब मैं आपको इसकी 3D पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा, तो बढ़ते हैं अपने 3D प्लान की ओर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको प्लान मिलता है। फ्रंट इसका 30 फीट रखा है, लंबाई इसकी 12 फीट रखी है, 12 बाई 30 का प्लान है। कंप्लीट है सर, कुछ इस तरीके से प्लान आपका कंप्लीट बना हुआ है पूरा, देख सकते हैं आप। अगर आपका किसी अदर साइज का प्लॉट है तो हमारे चैनल पे आकर यहाँ पे वीडियो पे क्लिक करके यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप काफ़ी प्लान मिल जाएंगे कुछ इस तरीके से अदर अदर साइज के, देख सकते हैं आप। अगर आप चैनल पर न्यू हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्राउंड फ्लोर की। यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट साइड में कुछ इस तरीके से रैंप मिलती है बाइक पार्किंग के लिए। उसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके से एंट्री गेट दिख जाता है। गेट के बगल में यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको 3 दुकानें दिख जाती हैं। दुकानों के लिए कुछ इस तरीके से सीढ़ियाँ भी आपको उपलब्ध कराई गई हैं। ये गेट आपका 5 फिट का लगा है, गेट से आप एंट्री लेंगे, एंट्री लेने के बाद यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके दिख जाता है। गेट से आप एंट्री लेंगे, एंट्री लेने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले जीने के नीचे आपको बाइक पार्किंग मिल जाती है कुछ इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको जीना मिल जाता है, कंप्लीट जीना आपका कुछ इस तरीके से दिया हुआ है पूरा। जीना आपका 2.5 फिट का दिया हुआ है। जीने की सीढ़ियों का साइज मैंने कुछ इस तरीके से रखा है, ये आपका पैर रखने वाला 9 इंच का, इसकी हाइट मैंने 8 इंच दी है, कुछ इस तरीके सीढ़ियों का साइज दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको 3 दुकानें मिल जाती हैं, तीनों दुकानों का साइज मैंने सेम दिया है। दुकान का मैंने साइज रखा है 8 बाई 11, 8 बाई 11 आपका साइज दिया है। फ्रंट इसका 8 फिट रखा है, लंबाई इसकी 11 फिट रखी हुई है, देख सकते हैं तीनों दुकानें आपकी 8 बाई 11 की बनी हुई हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्राउंड फ्लोर में आपको कुछ इस तरीके 3 दुकानें मिल जाती हैं, बाइक पार्किंग मिल जाती है। अब बात करते हैं ऊपर के प्लान की। तो जीने से आपको ऊपर आना, ऊपर आने के बाद कुछ इस तरीके दिख जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जीने से आप कुछ इस तरीके से ऊपर आएंगे, उसके बाद तुरंत ऊपर जाने के लिए कुछ इस तरीके जीना मिल जाता है, जैसा कि आपको नीचे देखने को मिला था। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से एंट्री मिलता है। अगर आप इस गेट से एंट्री लेते हैं तो यहाँ पे आपको सबसे पहले हॉल मिल जाता है कुछ इस तरीके से। हॉल में आराम से आप बैठक बना सकते हैं, बैठक के वेंटिलेशन इस साइड से आपको विंडो भी उपलब्ध कराई है, और बालकनी आने जाने के लिए कुछ इस तरीके से एंट्री गेट दिया हुआ है, सेपरेट आपका एंट्री गेट लगा हुआ है, देख सकते हैं। इस पूरी बैठक का मैंने साइज दिया 8 बाई 11, ये 8 बाई 11 का आपका स्पेस दिया बैठक के पर्पज से, देख सकते हैं 8 बाई 11। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको ओपन किचन मिल जाती है, देख सकते हैं। किचन के वेंटिलेशन इस साइड से आपको विंडो भी उपलब्ध कराई गई है। इस किचन का मैंने साइज दिया हुआ है 5.5 बाई 8, 5.5 बाई 8 इसका साइज दिया हुआ है, देख सकते हैं 5.5 बाई 8। अगर इसको आप बड़ा करना चाहते हैं बड़ा भी आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इंटीरियर मिलता है। अगर आप इस गेट से एंट्री लेते हैं यहाँ पे आपको लैट्रिन बाथरूम कमाई दिखती है, जिसका मैंने साइज दिया है 3.5 बाई 10, 3.5 बाई 10 की आपकी लैट्रिन बाथरूम कमाइंड बनी हुई है कुछ इस तरीके से, देख सकते हैं आप। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से एंट्री गेट मिलता है। अगर आप इस गेट से एंट्री लेते हैं तो यहाँ पे आपको जिस तरीके रूम दिख जाता है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं वेंटिलेशन कुछ इस तरीके से विंडो भी उपलब्ध कराई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बालकनी आने जाने के लिए कुछ इस तरीके से एंट्री गेट दिया हुआ है, देख सकते हैं। इस रूम का मैंने साइज दिया है 10 बाई 10, ये 10 बाई 10 का आपका रूम बना हुआ है, देख सकते हैं 10 बाई 10। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर आपको कुछ इस तरीके से 1 BHK हाउस प्लान कम्प्लीट दिखता है, देख सकते हैं 1 BHK कुछ इस तरीके से आपका पूरा कम्प्लीट बना हुआ है। कंप्लीट हटी आपकी कुछ इस तरीके से बनी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रंट में मैंने ग्लास का यूज किया है कुछ इस तरीके से, ऑल टाइम उजाला भी बना रहेगा और लुक भी बहुत बेस्ट लग रहा है। ऊपर वाला छज्जा आपका 3 फिट का निकला है, नीचे वाला छज्जा आपका 3 फिट का दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 फिट मैंने रूम में कवर कर लिया आपका कुछ इस तरीके से। 30 बाई 12 में कुछ इस तरीके से ग्राउंड फ्लोर शॉप प्लान, ऊपर आपका हाउस प्लान कम्प्लीट बना हुआ है। उम्मीद करता हूँ आज का प्लान बहुत ही पसंद आया, पसंद आया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने धन्यवाद।